ये जो पंडा होते हैं इनके सब बच्चे क्या नाम है संसद में सब पढ़ने में, और हम लोगों को कहते हैं कि हम तुम्हारी किस्मत जगाएंगे। अगर इन्हें किस्मत जगानी तो अपने बच्चों की जगाओ ना। हम लोगों को क्या कहते हैं, जो हमारे लोग कमाते हैं वो सब चढ़ावे में चढ़वा देते हैं, ठीक है ना, वो पत्थर पे भिजवा देते हैं। अनपढ़ हो गए हम सब, पढ़े लिखो से पीता है कभी पत्थर खा सकता है कुछ। आपने बड़ी बहुत बड़ी बात कही कि संसद के मंदिर में चले जाते हैं जी, वो सब संसद में जा रहे हैं, और हम लोगों को कहते हैं कि अपनी किस्मत खुलवाओ, ये करो वो करो। आपने संसद की बात करी, संसद में तो भी हालात बड़े खराब हैं समाज जी, बहुत हालात खराब है हमारे संसद में अभी भी। ये पंडा उंडा लोग हैं सब, इनकी लेडीज बकाए में आ जाती हैं, सब बेकार की बकवास की बात है, कुछ नहीं है। अगर ये जो है माता अगर कुछ करे, इतने मंदिर में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, अगर माता में शक्ति है तो क्यों नहीं जीवित करती। मैं जी हार गई है, बड़ी बुरी तरह हार गई मायावती, हार गए जी, लोग धोखा करते हैं वहाँ मायावती जी के साथ। 200 ईवीएम चोरी हो जाएंगे, बिल्कुल बीजेपी की चाल है, मायावती को आने नहीं देंगे, और इसलिए ये बीजेपी की चाल है कि मायावती आ गई तो फिर से इनका राज हो जाएगा दलितों का, इसलिए बीजेपी सब पे हावी हो रही है, और क्या दलितों पे खास करके हावी हो रही है। लेकिन अब दलित डरने वाले नहीं है, वो सब चाल उनकी सब समझ चुके हैं, सब जागरूक हो चुके हैं, कोई भी सत्ता आ जाए लेकिन दलित पीछे नहीं हटने वाले। अब पढ़े लिखे हो गए हैं, अब उनको समझ आ गई है, सब कुछ जानते हैं वो। अब क्या नुकसान होगा अगर बहन जी सरकार में नहीं, दलित समाज का खासकर जो उनका समाज, नुकसान कुछ नहीं होगा, सब पढ़े लिखे लोग हैं, नुकसान कुछ भी नहीं होगा, सब समझदार हो। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा पे बहुत असर पड़ेगा दलित समाज की, जो शिक्षा अगर बहन जी का शासन होता तो उनके बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलती। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सत्ता आ जाए लेकिन अलग जो हमारे पढ़े लिखे समाज है और जो बाबा साहब ने हेल्थ कार्ड दिलाए वो उसी मिशन को लेके चले गए। आजकल सब चेले हो गए मान्यवर काशीराम जी के, इतनी जागरूक जनता कर दी है, जिस घर की महिला बाहर निकल चुकी है वहाँ पे सब शिक्षित हैं। ये जो महिलाएं आगे निकल चुके शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ लिख के सब बच्चों को पढ़ा रही हैं आजकल, कोई इन्हें पत्थर पूजने में कोई विश्वास नहीं कर रहा आजकल। अच्छा बदलाव हो रहा है, बहुत बदलाव हो गया, बदलाव आ गया काफी। उनका ये असर पड़ेगा कि जैसे मतलब लोग मंदिरों में कीर्तन करते हैं, ये हमारा बुद्ध विहार है अपना दलित समाज का, इसमें आए और अपना योगदान करें, इकट्ठे हो यहाँ पे सभी मिलाए इकट्ठे हो, बाबा भगवान बुद्ध के हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाना, बाबा साहब के मिशन करने के लिए ही हमारी महिलाएं यदि यहाँ पर आएंगी उनको समझ आएगी कि हमें अपने बच्चों को मंदिरों में ना भेज के हमें स्कूलों में भेजना चाहिए, हमें खुद भी अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए उसमें कि बाबा साहब कैसे हालात में पढ़े हैं, उन्होंने कितनी डिग्रियां हासिल की, कितनी परेशानी थी बाबा साहब को, बाबा साहब का संघर्ष याद, बाबा साहब ने जितना संघर्ष वो कर ही नहीं सकते। ये लोग तो ये चाहते हैं कि हम आज भी मंदिरों में जाके घंटियां बजाएं और हमारे बच्चे जो है एजुकेशन से पीछे रहे, लेकिन अब हम शिक्षित हो गए, सब जानकारी है हमें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और मंदिरों में कभी नहीं जाने देंगे, और बाबा साहब के विचारों पे हम चलाएंगे, उन्हीं के संविधान को हम आगे बढ़ाएंगे। शिक्षित होना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है। कोई अभियान भी चलाती हैं आप जाकर, जैसे गली मोहल्लों में गांव में कुछ बाबा साहब के बारे में बताते हैं? नहीं, हम अलग अलग जाके हमारे जो महिला मंडल है हमारा, जो हम हर जगह जो कोई भी हमें बुलाता है, जो भी हमारे दलित समाज से जो भी बिलोंग करते हैं, 14 अप्रैल हो गया, बुद्ध पूर्णिमा आई है, जो भी पूरे महीने हमारे बाबा साहब का जन्मदिन बनता है मनाते हैं हम लोग, या जो तो भी घर बर्थडे करता है या कोई प्रोग्राम करता है उसमें मंदिर को बुलाते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, लोग जाते हैं। पहले तो क्या होता था कि बच्चे पैदा होते थे तो पंडित
पंडित जी आते थे, पंडित जी ही सब कुछ करते थे, नामकरण सब कुछ। अब हम जाते हैं और हम भीमराव का गुणगान करते हैं और हमारे भंते जी आते हैं, वही नामकरण करते हैं, वही गृह प्रवेश करते हैं, वही बच्चों की विदाउट फेरे वही शादी कराते हैं। कर्म कांड आप लोगों ने छोड़ दिया। अब हम कुछ ऐसा ढपंग जो थे ना पंडितों के, उसको हमने बिल्कुल दूर दूर तक छोड़ दिया। आपने अभी कहा कि बाबा साहब की विचारधारा को अगर बीएसपी के अलावा कोई चला सकता तो चंद्रशेखर की पार्टी चला। स्थिति अच्छी नहीं, स्थिति इसलिए अच्छी नहीं है कि अभी वो आया है, लेकिन आगे चल के मैं वादा करती हूँ चंद्रशेखर की पार्टी जरूर बनेगी और वो जीत कर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और संसद में भी जाएंगे। अभी शुरुआत है, लोग कह रहे हैं कि हम सब चंद्रशेखर जी के साथ हैं, हम सब उनका साथ देंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब बीएसपी को अपनी बार आपने दरकिनार कर दिया। दरकिनार इसलिए करा नहीं है, दिल से नहीं करा है, लेकिन हमें पता है कि बहन जी को डरा धमका के बीजेपी ने बैठा रखा है, इसीलिए वोट कटी है बहन जी की, इसलिए बहन जी। अब चाहे कोई जीते या नहीं जीते हमारा, लेकिन हमारा वोट हमेशा बीएसपी को ही जाता है, रहेगा भी उन्हीं का और उन्हीं का ही रहेगा, चाहे पार्टी कोई भी आए। हम कभी भी किसी और पार्टी को वोट नहीं देते, हम हमेशा बीएसपी को ही वोट देते, हमेशा बीएसपी को दिया देंगे और देंगे, हमेशा बीएसपी को देंगे, हाथी का मोड़ लगे चाहे कोई हारे या कोई जीते। ये हमारे जब से बुधवार बना है हम तभी से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा महिला मंडल है। क्या लगता है कुछ चेतना आ रही है बाबा साहब के प्रति या मिशन के प्रति? बहुत चेतना आ रही है, जो आज आप हमारे यहाँ महिलाएं देख रहे हैं वो सारी हमारे पहले, जब तक ये बुधवार नहीं बना था तब तक तो किसी के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से हमारा महिला मंडल भी बना है और यहाँ पर ये बुधवार बना है उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी चेतना आई है और महिलाओं में काफ़ी जागृति आई है, जो कि बाबा साहब का गुणगान करने के लिए हम हर जगह जाते हैं, हर जो भी प्रोग्राम होता है हम हर जगह बाबा साहब का गुणगान करने के लिए जाते हैं। थोड़ा बाबा साहब के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं बाबा साहब? बाबा साहब हमारे दलितों के मसीह हैं, जो बाबा साहब ने जो किया है वो कोई ज़िंदगी में कोई कर ही नहीं सकता, उनके बराबर कोई आ ही नहीं सकता और ना ही किसी ने किया है। उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आज तक ना कोई हुआ है और मुश्किल ही होगा, जो बाबा साहब के पास डिग्रियां थी ना जितनी, उतनी किसी के पास अभी तक नहीं है। महिलाओं के लिए क्या क्या बाबा साहब? महिलाओं के लिए तो बहुत, बाबा साहब ने अधिकार दिलाए, बाबा साहब ने हमें आगे बढ़ाया, बाबा ने स्वच्छ का अधिकार खत्म करा, वोट का अधिकार दिलाया, जो हम हैं बाबा साहब की वजह से हैं। बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिलवाया महिलाओं को, सबसे पहली बात ये कि जीने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिलवाया, शिक्षा का अधिकार दिलवाया। पहले तो लेडीज को पैरों की जूती समझा जाता था, बाहर निकलने नहीं दिया जाता, पर्दे में रखा जाता, ये सब अधिकार हमें बाबा साहब ने दिलवाए हैं, जितने भी हमको सब अधिकार दिलवाए, पढ़ने का अधिकार दिलवाया, सभी भी किसी भी समाज की किसी भी बिरादरी की। तो आप लोगों का मन नहीं करता क्या मंदिर अंदर जाने का? नहीं, हमारा मन नहीं करता, ये हमारे लिए ये मंदिर है, ये मंदिर हमारा बुद्ध विहार हमारा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर हमारा ये है। क्या वजह, इतनी बड़ी तादाद है ज्यादा दलित समाज की महिलाओं की, लेकिन वो अभी भी कुछ मंदिरों में जाती हैं? आप कुछ महिलाएं तो आई हैं यहाँ पर? नहीं बहुत हमारे जो समाज की महिलाएं वो हमारी सभी लोग आते हैं, जब कोई प्रोग्राम अच्छा सा होता है या जब होती है, जब आप आगे देखिए यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, जो भी फंक्शन होते हैं वो आज बाबा साहब की बदौलत है जो हम यहाँ पर आए हैं। जो महिलाएं मंदिरों में जा रही हैं उनके लिए क्या कहोगे, खासकर दलित समाज की जो महिलाएं जा रही हैं? जो महिलाएं जा रही हैं वो उनका अपना सोचना होगा, लेकिन है ना, जो हमेशा बाबा साहब ने कहा है जागरूक करना पड़ेगा, जो भी है उनको हमें जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जो है जो अधिकार हमें दिलाए हैं वो बाबा साहब ने दिलाए और किसी ने नहीं दिलाए हैं। पहाड़ पूजे, पत्थर पूजे, पुले पूज पहाड़, इससे तो चाकी भली भली। तो आप पत्थर पूजा में विश्वास नहीं करते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करते, ये सब अंधविश्वास है।